स्वागत है आप लोग का आज के एक और नए ब्लॉग में। आज घूमने निकले हैं अपने पुरानी एक्स यूनिवर्सिटी तुम्हारी प्रेजेंट इसकी फ्यूचर होने वाली यूनिवर्सिटी में भी और इनकी एक्स मेरी एक्स। आज हम अपने एक्स के पास वापस जा रहे हैं। एक्स की याद आ रही थी तो हम चले और हम दोनों तो बर्बाद हो चुके हैं। एक और लड़का वाला करने जा रहे हैं आज। थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है, नॉस्टैल्जिया वाला फील आएगा, हॉस्टल वगैरह भी जाएंगे और सारा कुछ देखेंगे। पहले ऑटो ले ले फिर बात करते हैं। फाइनली 2000 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम लोग ऑटो मिल गई है। हम मेन रोड पे आ पाए हैं अपने गांव से। अभी इन्वर्टिस पहुंचते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। गेट पे सर रोकेंगे अपन को ना। पहुंच चुके हैं। सिंपल बात है, तुम नहीं पहुंचे क्या? हाँ पहुंच चुके हैं। कहाँ इन्वर्टिस नहीं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में? देखो आई लव इन्वर्टिस। वो देखो ऐसा सच्चाई तो नहीं है बट ठीक है। बताओ ना क्या करना, डर चलना नहीं आ रही तो ठीक है। हाँ एडमिन चल रहे हैं पहले। सबसे पहले तो जैसा कि देख सकते हो मैं एडमिन से बाहर आ चुका हूँ। एडमिशन करा दिया इस बच्चे का। एडमिशन खुश है अजी घंटा महा कॉलेज में एडमिशन लेके खुश है। प्रांजल कैसे लग रहा है तुम्हें एक और बच्चे का चूचे कटवा के? बहुत खुशी हुई अपने आप को। मैं कम टाइम के लिए कटेगा, ज़्यादा नहीं। बिल्कुल सुकून आया। ठीक है अभी मैं थोड़ा सा बैग दिखाता हूँ। ये वाला ब्लॉक मेरा है जिसमें मैं पढ़ता था, जिसमें से मैंने अपना डिप्लोमा किया। प्रांजल ये रास्ते याद है? वहीं खड़े क्या क्या हुआ है पता नहीं। वहाँ पर अपन खड़े हो गए लंच में, अपन वहाँ पर खड़े हो देते सामने। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की है। सामने जो दिख रहा है ब्लू कलर का वो ऑडिटोरियम है ना? हाँ ऑडिटोरियम है। इन घासों में कभी बैठे नहीं वैसे। क्यों नहीं बैठे? वाले घास में बहुत बैठे। कोई नहीं जो तुम्हारी सेटिंग की शुरुआत थी वहीं से तो हुई थी। कहाँ से याद करो? यहाँ गुलाब का फूल। अरे वो वाला बिल्डिंग अपना है ना फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम था उधर राइट साइड में। वहाँ नहीं तुम्हारा क्लास था, रूम नहीं था तुम्हारा? हाँ मतलब क्लास था वही जहाँ पर अपन ने पढ़ाई की। इन घासों में बहुत बैठे थे भाई। सर्दियों में यहीं पर बैठते थे ना। कोई लड़ाई होता तो यहाँ खड़ा होते थे। सर्दियों में यहीं पे बैठते हैं ना हमेशा भाई साहब। अब नहीं दिखाएगा। अभी सीधा जाएंगे हॉस्टल। वो वाली जगह याद है? वो गमले के पास वाली सब याद है भाई। सारी जगह याद है अपन को। वहाँ से निकल के टड़ंग सीधा गमले के पास। तो वो पापा की परी तुमने बनी थी वहाँ पर? नहीं उस गेट से निकल के ऑडिटोरियम से सीधा गमले के पास स्टेज के पीछे। ये याद नहीं है भाई मुझे। अंधे होते ना यहाँ पर, इसके अंदर फिल्में देखते हैं बच्चे और सैटरडे को फिल्में देखते हैं एकदम अच्छी वाली। बाकी यहाँ पर ये मस्त बनाया हुआ है रास्ते जिसके आसपास पेड़ लगा रखे हैं ताकि ये गर्ल्स हॉस्टल सामने वो उधर वाले गर्ल्स हॉस्टल है, ये बॉयज हॉस्टल का रास्ता चमगाड़ दिखते हैं। यही लोग अब जा रहे हैं अंदर। यही रास्ता है बॉयज हॉस्टल का। सामने वाला जो हॉस्टल है वो शिवालिक है, इसकी इधर वाला हिमालय है और वहाँ से जो राइट साइड वाला है दिखा देंगे अभी, चिंता ना करो। इतना जज्बाती मत हो। इधर से भी रास्ता है ये बट बंद रहता है हमेशा कि बच्चे को समझ रहे हैं। बच्चे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बच्चे बहुत अच्छे एकदम कूल काम। ये हिमालय हॉस्टल वाला हॉस्टल नील गिरी है, उसमें मैं कभी नहीं रहा। शिवालिक वाले हॉस्टल में बहुत टाइम था। शिवालिक खुला होगा? अच्छा हॉस्टल, चलो शिवालिक के अंदर चलते हैं। मेरा वाला रूम S4 वही मेरा रूम था भाई। S4 वो वाला और इसमें भी मैं रहा था कुछ दिन तक। G15 इस वाले रूम में मैं बहुत दिन रहा था। ये ट्रिपल सीटर रूम है। इस रूम में G13 में और उसके बाद से हम लोग यहीं खड़े के चला जाते ऊपर तक। हर दिन हमने गाली दिया है वो चार जुट के पड़ लगा चार जुट के। बहुत मजे काटे भाई यहाँ पर, मौज करती थी बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया वाली मौज करती। अभी रूम बंद है यार S4 वाला, वरना अंदर जाकर जरूर देखता मैं। ये हिमगिरी हॉस्टल बिल्कुल नया भाई हो गया, ये तो चमक रहा है। नए दरवाजे पेंट कर दिए गए, वाह भाई। ये यहाँ से दीवार हटा के जाली लगा दिया, वाह पूरा अच्छे से पेंट कर दिया है। यहीं पर अटेंडेंस में खड़े होते थे, यहाँ पर अटेंडेंस होती थी हमारी
रात को यहाँ पे हमको वीरेंद्र भैया ने कब बताने एक भी ऐसी गाड़ी ने जो हमको मिली नहीं हो हमारे वीरेंद्र सर अरे ये मेरा रूम जी 26 इसी में रहता था इसको ओ पूरा दीवार नया नया पेंट कर दिया इसी रूम में रहता था मैं भाई नए गद्दे डाल दिए अभी अभी लोग इससे ऊपर है लाइट जलो ऐसे रूम तीन है एक रूम मेरे समझ बचा है सबसे फर्स्ट रूम ये पलका वाला लिया है कौन सा ये वाला ये है वो मान जी जी इस वाले रूम में भी मेरा था जी 24 इसमें टेबल चेंज कर दिए गए सारे बेड अभी वही पड़ा लेकिन टेबल चेंज है अरे इसमें तू वही कहाँ रहता था इसमें रहा था मैं भाई तो इसमें तो रहता था लेकिन टेबल तो यही था ना नहीं बड़े यही रूम बढ़िया है सबसे पहले जी20 का रूम पहले का रूम G20 ये मेरा पहला रूम G20 इसमें भी अभी वही सब पार्ट वही अलमीरा है ना अलमीरा चेंज हो गया अलमीरा सब वही है वो कोने वाले थे उनमें भी वाले सही है तो थिंक यू शुड बी वाटर कूलर भी नया लग गया भाई सब नया लगा यार पूरा एक साल ये वॉशरूम इसके देख तो वॉशरूम ओ भाई वॉशरूम भाई साहब वॉशरूम देख रहा है तू आलिशान अपने लोग लो कैसे वॉशरूम से आए थे अब कैसे में हो गए देख रहा है भाई क्या वॉशरूम था क्या हो गया भाई तो क्या वॉशरूम था अपने जमाने में अभी जब मैं ना आता था ना तब बहुत गंदा पानी आता था शावर शावर टूट गया था अटेंडेंस यही पर देते थे भाई ये वाटर कूलर ना एक महीने में 10 बार खराब होता था कभी पानी ठंडा नहीं करता भाई ये भी नहीं कर दिए लेने की कोशिश की थी अरे ये आशीष लौंडा ये भी डीसी बना था अभी है डीसी अच्छा ये अपने काम में आया था हाँ रंजीत वगैरह के साथ आया था अपन एक रूम में आ गए बैठने के लिए थोड़ी देर के लिए ए सी लगा हुआ है वार्डन सर ने दे दिया वो कि आराम से सो जाओ अपन जाते लाए अब कैफे इन्वर्टिस का कैफे दिखाते हैं अब कैंटीन बोल सकते हो कैफे इनने नाम का दे रखा है कैंटीन तो यहाँ से सामने से आते हैं ये रोड से और वहाँ से वो है कैंटीन फिर वहीं चलते हैं फिर देखते हैं क्या कुछ खाएंगे या फिर थोड़ी देर बैठेंगे फिर वापस रूम पे चलेंगे ये तुम्हारा कैफे ये तुम्हारा कैफे तुम्हारा कैफे मुझे धूप पे इसलिए कोई नहीं बैठा बेकार हो गया भाई तुम्हारा सब कुछ है चले रूम पे वापस ये पीछे गर्ल्स हॉस्टल है और उसके सामने वो मैस है मैस तो नहीं जा पाए भाई अफसोस बट कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जो आएंगे तब मैस जाएंगे अगर आप आए तो एरिया तो अच्छा है वैसे हरा भरा है कर रखा है पूरा ये वाला रास्ता यूवी ब्लॉक का है यहाँ से यूवी ब्लॉक जा सकते हैं वैसे मैं गया नहीं हूँ ना जाऊँगा अभी फिलहाल ये देखो यहाँ क्या क्या जा सकते हैं यहाँ से इसमें सारा कुछ लिखा होता है प्रांजल अपना वर्कशॉप याद है हाँ कुछ और भी याद है यहाँ काम क्या याद है बताओ भाई ये वाला रास्ता मुझे सही लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा धूप नहीं आती सब याद है मुझे क्यों हमसे पूछ रहे मैं तो बोल रहा हूँ कि ये देखो ये जो हम आर्यन की जावड़ पड़ा था
भाई टूल से खेल रहा था यही भाई, घंटों घंटों बैग टांग के खड़े रहो भाई, पता नहीं सर कहाँ है, कुछ पता नहीं। ऊपर ईडी लैब, ईडी लैब भाई साहब, ईडी लैब में कुछ नहीं, मैं तो कभी कभी आता था ईडी लैब, ईडी लैब आने की जरूरत नहीं है, इतना बेकार लगता था मुझे। क्या ड्राइंग, ईडी ड्राइंग सबसे बेकार चीज़, किसी काम का नहीं है। यहाँ पर सामने कंप्यूटर लैब है, इन्हें हर चीज़ के ऊपर लगा दिया रखा है अच्छा सा नेम प्लेट, कंप्यूटर लैब। तो कंप्यूटर लैब, हाँ चलो कंप्यूटर लैब देख के आते हैं क्या सीन है। कंप्यूटर लैब देख के आते हैं, चल रहा हूँ। इसी लैब में बैठा करता था भाई मैं, डेल के लग गए सारे पीसी। ये वाले लैब में बहुत बढ़ गया हूँ, इस वाले लैब में भी बहुत बढ़ गया, मेरा यही दोनों लैब में हो। ऊपर भी देख, ऊपर वाली चेंज में आया है। हाँ पहले ऊपर बहुत ही गंदा था, किसी ने साफ ही नहीं किया था। एंट्री गेट है, यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ऑडी, अपन चले बाहर। अपन आ चुके बाहर, अब सीधे घर पे जाएंगे, और थक गया भाई बहुत ज़्यादा, मैं सो जाऊँगा या फिर कुछ खाएंगे, कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे भूख लगी, उसके बाद रूम पे जाके लेट जाएंगे और सो जाएंगे। उतर गए अपन, अबे पैदल जाना पड़ेगा भाई उतने देर तक, विशाल तक पैदल जाना पड़ेगा अपन को। चलो वहाँ पहुँचते हैं, पसीने से लथपथ पहुँच चुके हैं अपने रूम पे, अब जाके सीधा बेड पे पड़ जाएंगे, और भाई थोड़े टाइम तो 2 घंटे तो आराम करेंगे आराम से, अब नहीं उठने वाले। तो अभी तक के लिए ब्लॉग पे यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।